27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी उपचुनाव जीतने की का दावा कर रही हैं। उपचुनाव में कांग्रेस इस कैंपेन के साथ जाएगी कि उन्होंने स्वर्णिम सरकार चलाई। कैंपेन पर विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि कमलनाथ ने 15 महीने भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाई है। कमलनाथ ने केवल महिला विरोधी, युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार चलाई। कमलनाथ ने ग्लैमर की सरकार चलाई और सिर्फ आईफा में ही व्यस्त रहे। कमलनाथ की सरकार ग्लैमर की सरकार थी और भाजपा की सरकार आस्था की सरकार है। आया हूं कि कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश में केवल भ्रष्टाचार की सरकार चलाई। कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश में केवल किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी किसान सरकार चलाई। और कमलनाथ जी का पूरा दृष्टिकोण और पूरा फोकस केवल और केवल ग्लैमर की राजनीति में रहा। कमलनाथ जी की सरकार आईफा की सरकार थी और अब